नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। अतीक अहमद शूट आउट में दिन पर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जहां पर बीएसपी एमपी अफजल अंसारी ने किया है एक बड़ा खुलासा। उनका कहना है 3 नहीं 5 हत्यारे थे, तो मीडिया 3 का ही नाम क्यों ले रही है, यही डालते हैं इनके चौंका देने वाले बयान पर। आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, और दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो घट गया। अनहोनी है जो घटना हुई उनके साथ, लेकिन अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले, और वो 3 ही मारे हैं, हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे, उनमें 3 के लिए ये भूमिका थी, उनका ये रोल था कि तुम लोग जल्दी जल्दी जय श्री राम का नारा भी लगाना और सिलेंडर सिलेंडर भी करना, और जब वो गिरे पड़े हों मरणासन्न स्थिति में तो दौड़ दौड़ के उनके ऊपर भी फायर भी करना, ताकि जल्दी जल्दी फिल्म भी बना के दिखाया जाएगा, यही तीनों हैं, यही तीनों, और एक के सिपाही दो दो आदमी को अखबारी में इसे पकड़े जैसे कबड्डी का मैच खेल रहा हो। तो ये अभी जो असली उसमें जो शूट करने वाले थे, ये तो तीनों थे ही, इसके अलावा भी थे। ये जांच का विषय है कि उस समय उस दिन किसके जिम्मे कानून व्यवस्था थी। देश के वरिष्ठतम वकील ने कहा है एक हत्या अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ की हुई।